पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शुक्रवार की रात्रि में थाना पुलिस ने थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जीटी रोड स्थित फौजी ढाबा सराय लतीफ के निकट से डीसीएम में लदी 210 पेटी शराब पंजाब प्रांत की बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की। थाना प्रभारी ओम हरि वाजपेयी से मिली जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक अजय मलिक मैं फोर्स के साथ क्षेत्र में लंबे समय से वांछित चल रहे अपराधियों की तलाश में थे। तभी ग्राम सराय लतीफ के सामने जीटी रोड स्थित फौजी ढाबा के निकट से एक डीसीएम संदिग्ध प्रतीत होने पर जब चेकिंग की गई तो डीसीएम के अंदर पंजाब की शराब की पेटियां लदी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब चालक से पूछताछ की गई तो पूरी शराब की पेटियां अवैध बताई गई। अवैध शराब की पेटियां 210 डीसीएम के अंदर मौजूद थीं। पुलिस ने अवैध शराब की पेटियों के साथ डीसीएम चालक को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जनपद मैनपुरी अवैध शराब के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और विगत एक वर्ष में चार बड़े जो हमारे शराब माफिया हैं उनके खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी जो अपराध द्वारा जिस संपत्ति है 14 गैंगस्टर एक्ट के अंदर उसको हमने सीज कराया है और इसमें करीब 25 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने सीज की है।